बाना जिले के बबेरो अंतर्गत थाना बिसंडा के ग्राम पवई में दो मासूमों की पानी में डूबने से मौत का मामला सामने आया, जहां शिवम सिंह पुत्र श्याम सिंह उम्र 11 व शिवम उर्फ छोटा पुत्र प्रमोद विश्वकर्मा उम्र 8 वर्ष की पानी में डूबकर मौत हो गई। मृतक शिवम के पिता श्याम सिंह ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस से 6 लाइन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें पुल निर्माण हेतु गड्ढे होने के कारण पानी का निकास नहीं हो पाता है। गहराई होने से पानी का जल भराव हो गया और गहरा गड्ढा कर दिया गया, लेकिन पुलिया नहीं बनाई गई और न ही उस स्थान को सुरक्षित किया गया। पुलिया न होने से आज दो मासूम बच्चों की उसी गड्ढे में डूबने से मौत हो गई और उनका कहना है कि उनका बेटा शिवम सुबह 8 बजे जानवरों को खेतों में चराने के लिए गांव के ही एक लड़के शिवम और छोटू पुत्र प्रमोद विश्वकर्मा के साथ गया था। किसी कारणवश हाईवे के किनारे से गुजरते वक्त पैर फिसल जाने से उन दोनों की पानी में डूबकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हाईवे कर्मचारियों के द्वारा दोनों मासूम बच्चों के शवों को पानी से निकाला गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवाया गया। पिता ने बताया कि इसकी सूचना जब हम लोगों को 10 बजे मिली तो हम लोग आनंद फानंद में घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। मासूम बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। मृतक बच्चों का पिता खेती किसानी के माध्यम से बच्चों का भरण पोषण करता था। दो मासूम बच्चों में एक छोटा बच्चा था। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए बाना से संवाददाता उमेश कुमार यादव की खास रिपोर्ट। हमारा राजू सिंह नाम है, पवई गांव के रहने वाले हैं। आपके यहाँ घटना हुई है, किस प्रकार से हुई है? जी, जो है हमारे भतीजा था वो, और वहाँ पर खेत में गए थे भैंसिया चराने के लिए, तो उसका जो है वहाँ पर गड्ढे बहुत हैं, पानी ज़्यादा भरा हुआ है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बाद में ज़्यादा गड्ढे कर दिए हैं। पहले इतना गड्ढा नहीं था तो ये लोग रोज जाते थे तो वहाँ पर वो करते थे, अभी जो है भैंस आँकने गए तो वहाँ पर पैर फिसल करके जो है वहीं गिर गए, फिर वो निकल नहीं पाए वहाँ, ये मशीनों से खुदाई की। थाना बिसंडा क्षेत्र में ग्राम पवई में ये सूचना प्राप्त हुई थाने पर कि जो हाईवे के किनारे कोई गड्ढा था, उसमें पानी भरा हुआ था, वो बच्चे उसमें खेलते हुए या फिसल करके उसमें गिर गए, जिससे दोनों उस गड्ढे में डूब गए। सूचना पर तत्काल फोर्स वहाँ मौके पर पहुँची और दोनों बच्चों की जो है, ये करीब 9-10 वर्ष के बच्चे हैं, उनकी डेड बॉडी को निकाला गया। इसके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।